हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा वीडियो टाइटल है आकाश इंस्टीट्यूशन वर्सेस एलन इंस्टीट्यूशन। देखिए, दोनों ही इंस्टीट्यूशन, चाहे मैं आकाश इंस्टीट्यूशन की बात करूं या एलन इंस्टीट्यूशन की बात करूं, दोनों ही इंस्टीट्यूशन मेडिकल कोचिंग प्रिपरेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है, उनके करियर का सवाल है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी का सवाल है, इसलिए हर स्टूडेंट इन दोनों बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से दी बेस्ट इंस्टीट्यूशन को चूज करना चाहता है, ताकि वो उसमें स्टडी करके एक बेहतर करियर के लिए एक खुद को अश्योर्ड कर सके। इसीलिए हर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि उसे आकाश को ज्वाइन करना चाहिए या एलन को ज्वाइन करना चाहिए। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंपैरेटिव वीडियो में समझते हैं कि दोनों इंस्टीट्यूशन में से कंपैरेटिवली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्यादा ठीक हो सकता है। हमारे कंपैरिजन का पहला ग्राउंड है लोकेशन। देखिए, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आकाश इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, लगभग 200 से ज्यादा सेंटर्स के ऑल ओवर इंडिया में। तो इजी एक्सेस की बात करूं तो आकाश इंस्टीट्यूशन में आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एलन की बात करूं तो एलन लिमिटेड सिटीज में, सिर्फ 12 से 15 सिटीज के अंदर ही अवेलेबल है। तो लोकेशन वाइज आकाश के पास ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, एलन के पास थोड़े कम है। मैं बात करता हूं स्टडी मटेरियल की, तो देखिए आकाश का स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है वो एनसीईआरटी टाइप प्रिंटेड मटेरियल होता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी होती है, लेकिन जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में बॉक्स के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, ठीक वैसे ही आकाश के नोट्स के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं, वाइड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो फिर एलन का स्टडी मटेरियल ज्यादा ठीक है। यानी कि अगर आप कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आकाश के स्टडी मटेरियल से आपका काम चल सकता है, और अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एलन का स्टडी मटेरियल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर का कंपैरेटिव ग्राउंड है डिसिप्लिन। आकाश इंस्टीट्यूशन के अंदर डिसिप्लिन थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे शायद कम पढ़ने वाले बच्चे और उनके स्टडी नोट्स भी इतने ज्यादा डिटेल्ड नहीं होते। लेकिन एलन की बात करूं तो एलन इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है, वह हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, शायद क्योंकि वहां की स्टडी मटेरियल काफी डिटेल्ड है, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, इसलिए शायद वहां डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है। चौथे नंबर का कंपैरेटिव ग्राउंड है फ्लेक्सिबिलिटी। आकाश इंस्टीट्यूशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अगर आपके कोई क्लास मिस हो गई तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल सकती है। लेकिन एलन इस मामले में फिर से काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो काफी रिजिड है, अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो क्लास मिस हो गई, आपको कोई रिकॉर्डेड क्लास देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पर पंक्चुअलिटी का भी काफी ध्यान रखा जाता है। पांचवें नंबर का कंपैरेटिव ग्राउंड है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। आकाश के इतने सेंटर होने के बाद भी वहां स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप 100 के साथ है, लेकिन एलन के कम सेंटर होने के साथ भी वहां पर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप 200 के साथ चलता है। तो इस बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एलन कितना कॉम्पिटेबल इंस्टीट्यूशन है। सिक्स नंबर का कंपैरेटिव ग्राउंड है डाउट क्लियरेशन। देखिए, मेडिकल कोचिंग प्रिपरेशन में डाउट क्लियरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आकाश के पास कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टीम नहीं है डाउट को क्लियर करने के लिए। जो वहां टीचर पढ़ाते हैं वही टीचर ड्यूरिंग क्लास में और आफ्टर क्लास में डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिकली आपको कोई टाइम नहीं देते, जल्दीबाजी में आपके डाउट को क्लियर करते हैं, पर वो करते जरूर है। लेकिन अगर मैं एलन की बात करूं तो एलन के पास टीचर्स के अलावा अपनी एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड टीम भी है जो कि आपके डाउट को क्लियर करती है। ड्यूरिंग द क्लास टीचर ने समझा दिया, बाद में टीचर ने समझा दिया, और बाद में और भी कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियरेशन सेशंस में जाकर के उसे अटेंड कर सकते हैं। या कि एलन आपको ज्यादा टाइम देता है, ज्यादा इजीली आपको समझाता है, शायद इसीलिए क्योंकि आकाश के इंस्टीट्यूशन के पास इनकॉम्पिटेबल टीचर्स हैं और एलन के पास कॉम्पिटेबल टीचर्स हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव ग्राउंड होगा स्टूडेंट क्लासरूम। आकाश के अंदर गर्ल्स और बॉयज कॉमन रूम में बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन एलन में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग रूम की फैसिलिटी है। तो अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपैरेटिव ग्राउंड है काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग सेक्शन। देखिए, आकाश के अंदर क्योंकि शायद उनका स्टडी मटेरियल थोड़ा नॉर्मल है, टीचर उनके पढ़ाने वाले थोड़े नॉर्मल से हैं, उनके पास कोई ज्यादा मोटिवेशनल और काउंसलिंग वाले सेक्शंस नहीं है। जो टीचर है वही आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन देते रहते हैं। यानी कि उनके पास टीचर्स हैं, मोटिवेटर हैं, काउंसलर हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जो आपको पढ़ाते हैं। एलन ने थोड़ा सा अलग काम किया है। एलन के पास अलग तरह के मोटिवेटर हैं, अलग तरह के काउंसलर हैं, जो आपको वहां ज्वाइन करने से लेकर के आपके सक्सेसफुल बनने तक आपको हर स्टेज में मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। यानी कि एलन के पास एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों की टीम है, आकाश के पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों की टीम नहीं है। बहरहाल, फिर भी दोनों ही इंस्टीट्यूशन काफी अच्छे लेवल से ट्राई करते हैं कि आपको मोटिवेट और सही तरह से काउंसिल किया जा सके। नेक्स्ट कंपैरेटिव ग्राउंड होगा टेस्ट सीरीज। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट को देना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आकाश के अंदर हर 15 दिन में, हर महीने में एक बार, हर ऑल इंडिया आकाश इंस्टीट्यूशन सीरीज की बात कर लीजिए, मॉक टेस्ट की बात कर लीजिए, बूस्टर सीरीज की बात कर लीजिए, ये सारी वो टेस्ट सीरीज है जो आकाश हर टाइम पर चलाता रहता है। और अगर मैं एलन की बात करूं तो एलन सिर्फ माइनर और मेजर टेस्ट सीरीज को चलाता है। यानी कि अगर आप क्वांटिटी ओरिएंटेड बच्चे हैं, यानी कि आप
ज्यादा टेस्ट देकर के, ज्यादा एग्जाम देकर के अच्छा स्कोर करने वाले माइंडसेट वाले बच्चे हैं, तो आपको नो डाउट आकाश को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आकाश क्वांटिटी पे ध्यान देता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी ओरिएंटेड बच्चे हैं, कम एग्जाम देकर के अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेकर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो नो डाउट फिर आपको एलन को ज्वाइन करना चाहिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दोनों ही इंस्टीट्यूशन, चाहे आकाश इंस्टीट्यूशन हो या फिर एलन इंस्टीट्यूशन हो, दोनों ही दी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है सच में। दोनों ही अपनी तरफ से काफी अच्छा ट्राई करते हैं, काफी अच्छे स्टडी मटेरियल है, टीचर है, काउंसलिंग है, मोटिवेटिंग है और टेस्ट सीरीज है। डिपेंड करता है आप पर कि आप इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद आप कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद काफी सारे स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आते हैं, चाहे मैं आकाश इंस्टीट्यूशन की बात करूं या मैं एलन की बात करूं। सो कंप्लीटली वो आप पर डिपेंड करता है कि दोनों में से किसको आप चूज करते हैं और दोनों को चूज करने के बाद आप किस तरह की स्टडी करते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इन बेसिक पॉइंट्स को देख करके अपने लिए खुद का एक रेफरेंस डेवलप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।